अगर चंपावत में देखा जाए तो बीते दिनों से हर रोज़ मौसम बदलते रहता है, और इसका ये कारण है कि सर्दियों में बर्फबारी होने का। तो खाना बन के हो गया है तैयार, और अभी तक आग सेक रहे थे, अब चलते हैं गोट में भात खाने। रजे ये 4 बजे खाली वाले ना थे, 4 बजे रहते उठ कर दौड़ जाऊं ले दौड़ जाऊं भैर के दौड़ जाऊं ले तो भैर के बचा कुन नौ छे को एक बाजू फोन आ रहा छे भैर के बोले नमस्ते राज जी बाहर के करना खा देंगे काफी दौड़ छे यहाँ तो 4 बजे उठे दौड़ लगा हल जमल तो हो गया है, और धीरे धीरे अब थोड़ी देर बारिश बंद हुई थी लेकिन फिर से चालू हो गई है बारिश। मुझे लगता है कि बिना बर्फ़ गिरे नहीं मानेगी क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा होने लग गया है। और आपको दिखाऊं सामने का दृश्य, तो चारों तरफ देख रहे हैं अब बादल छाने लग गए हैं, तो वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो चलो चलते हैं आग के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने। खून बना लो ना थोड़ा, हाँ बलना ले देखना था ये मैं के छत है एक ये छह सी सुखे जाओ हाँ ये मैं देखना था ये मैं है निकालना खून। हो गई है आप देख सकते हैं, ये जितने छोटे छोटे पीस थे सारे हो गए हैं। अब इसको बनाते हैं काट के। मेरे साथ यहाँ पे लकड़ी और हम काटने वाले बांस के पाँव पेड़, जो कि लकड़ी काफ़ी मज़बूत होती है और इसके कोयले भी अच्छे बनते हैं मज़बूत, और आग सेकने में भी मज़ा आता है। तो लकी था मेरे साथ यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे लकड़ियाँ काटी। काफ़ी सख्त होती है और अच्छे से सूख रखी थी, तो इसको बनाने में काफ़ी मज़ा आया और जल्दी जल्दी से हो गया था क्योंकि सूख रखी थी लकड़ी। जो भी फाड़ने लग लकड़ी थी वो फाड़ दी थी, और जो बची हुई हैं उन्हें अभी वहीं पे है, सूखने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हल्की हल्की धूप थी तो नहीं ला। तो इसी के साथ जो है ये लास्ट हुआ था, तो इसी के साथ लकड़ी ख़त्म हो गई थी और फिर हम आ गए थे नीचे घर को लकड़ियाँ लेके। तो आपको दिखा रहा हूँ कितनी लकड़ियाँ हुई हैं। तो मौसम ने ले ली है करवट, और अभी तक धूप थी और अब आ गए हैं बादल फिर से, तो फिर से बादल छाने लग गए और देखते हैं क्या होता है।
तो हम भी निकलते हैं गांव के सैर पर और देखते हैं आज का कुछ नया। तो आज हम पहुंच चुके हैं नीचे गांव खेम सिंह बोरा के घर पे, और उनके पास जो है बहुत सारे कबूतर हैं, और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये कबूतर की जितनी प्रजाति हैं, दो प्रजाति हैं इनके पास, और दोनों ही काफ़ी सुंदर, और इनके साथ काफ़ी अपनापन जुड़ा हुआ है इनका, और ये भी काफ़ी पसंद करते हैं इनको। और अगर प्यार की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खेमदा भी, और मैं भी काफ़ी पसंद करता था जब मैं छोटा था तब हमारे घर पे भी थे, लेकिन बिल्लियों ने जो है सब उजाड़ दिए तो उसके बाद नहीं रखे। तो आज यहाँ आया तो देखा तो काफ़ी सुंदर और मन को मोह लेने वाले जो कबूतर हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। लाइट जा रहे सक्षी पे जा लोग हार्डनेस इसके यहाँ ले जा सकती है। रहा तो आज बनी है पेड़ों की सब्जी आलू की और वो कड़ी बन रही है रोटी। आलू सांस को सांस की देखो और ये है मम्मी रोटी बना रही है और मैं हूँ यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। तो हम खाते हैं खाना, मम्मी को बना दे रोटी और उसके बाद करते हैं बात। मौसम साफ था और उसके बाद अभी जो है अंधेरा हो गया और अचानक से जो है दाल गिरने लगी है, तो हो सकता है कि सुबह तक जो है पूरे ऊपर आपको पहाड़ों पर हिमपात देखने को मिल जाए, क्योंकि जब ऐसे नीचे
कलित्री पे जब ऐसे ओस गिरती है, मतलब दाल वगैरह बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो उससे आपको पहाड़ों पे बर्फ़ जल्दी देखने को मिलेगी। तो इंतज़ार है बारिश के होने का, और अभी तो दाल गिर रही है, और सुबह तक आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ों पे जो है सफ़ेद चादर बिछी हुई है। तो इंतज़ार है सुबह का, अभी चलते हैं और इंतज़ार करते हैं सुबह का, तो मिलते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए।